नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित ब्रोज में। जैसा कि दोस्तों आपको पता कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है हजरत मोहम्मद साहब की, और दोस्तों हमने उसके में दो पार्ट देख चुके हैं हम, उनके बर्थ का वाक्य और उनके बचपन का वाक्य। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम क्या जानेंगे दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों जो है उनकी अर्ली लाइफ के बारे में हुआ, तो अब देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। हाँ दोस्तों, जो हमने जो दो पार्ट्स के जो पिछले के दो पार्ट्स पर जो हमने रिएक्शन कराया दोस्तों, रिएक्शन काफी लाजवाब रहा है, बहुत ही गजब रहा है। और दोस्तों आपने भी हमारी वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया दोस्तों, इसके लिए हमारा दिल से आभारी हम आपके। और दोस्तों अब जो थ्री पार्ट्स हम जो रिएक्शन करने वाले हैं दोस्तों, और इसमें क्या खास होने वाला है, क्योंकि जो उनकी अर्ली लाइफ बताई गई है उसमें, और उसमें क्या रोमांच रहने वाला है उस वीडियो में आज पता चलेगा। हाँ, और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट यंग लाइफ। बलोगत के इब्तदाई दिनों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का की बकरियां उजरत पर चराया करते थे, और ये कोई ऐब की बात नहीं थी, बल्कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और तवाज़े की खुली दलील है। इसलिए कि बकरियां चराने वाले शख्स में जफा कशी, तहम्मुल बर्दबारी और नर्म दिली पैदा हो जाती है। इसलिए कि बकरियां चराना मामूली काम नहीं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा होशियारी और बेदारी वाला काम है। यही वजह है कि तमाम अम्बिया अकराम ने बकरियाँ चराई हैं। इस मुतालिक खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में फरमाया है कि अल्लाह ने जो भी नबी भेजा उसने बकरियां ज़रूर चराईं। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या आपने भी? तो आपने जवाब दिया कि हाँ, मैं भी मक्का वालों की बकरियां किरारियत पर चराता था। इसी तरह एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ जंगल तशरीफ़ ले गए। सहाबा बैरियां तोड़ तोड़ कर खाने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो खूब सयाह हो वो खाओ, वो ज़्यादा मज़े की होती हैं। ये मेरा उस ज़माने का तजुर्बा है जब मैं बचपन में यहाँ बकरियाँ चराया करता था। बहरहाल मक्का के उन वादियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 20 बरस हो गई। उन दिनों कबीले कुरैश और कबीले कीस ऐलान के दरमियान एक ज़बरदस्त जंग हुई। ये जंग हरबुल फज्जार के नाम से मशहूर है। दौरे जाहिलियत में अरब के छोटे बड़े कबीले की छोटी छोटी बातों पर खूनरेज जंग हो जाया करती थी, लेकिन जंग फज्जार को तारीख में एक अहम जंग माना जाता है, क्योंकि इस जंग में खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की थी और उस वक्त आप एक नौजवान शख्स थे। इस जंग की तफसील कुछ यूं है कि दौर जाहिलियत में अक्कास के मैदान में एक बड़ा मेला लगता था, जिसमें मुशायरे, किस्सा गोई, कुश्तियाँ और तीर अंदाजी का मुकाबला हुआ करता था। लिहाजा इस मेले में बनू किनाना के एक शख्स जिसका नाम बराज बिन कैस था, उसने कबीला बनी हवाजिन के अरवा अर रहाल नामी आदमी को किसी मामूली बात पर कत्ल कर दिया। कुरैश को इस वाक़े की खबर हुई तो उन्हें अंदेशा हुआ कि कबीला बनू हवाजिन के लोग बदला लेने ज़रूर आएंगे, लिहाजा कुरैश मक्का हरम शरीफ की हिफाजत के लिए काबा के अतराफ़ जमा हो गए। हवाजिन के लोग भी हरम की तरफ बढ़ने लगे और दोनों कबीलों के दरमियान मतभेड़ हुई। ये मतभेड़ कई रोज़ तक यूं ही चलता रहा और वक्फा वक्फा हवाजिन के लोग हमला करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता कुरैश के हलीफ कबाइल भी इस जंग में कूद पड़े और ये एक बड़ी लड़ाई बन गई। आखिरकार कुरैश और हवाजिन के दरमियान 15 आमुल फील के साल एक बड़ा मुअरका हुआ, जिसे हर्ब फज्जार कहा जाता है। ये एक ज़बरदस्त और फैसला कुन जंग थी, जिसमें जीतने वाला पूरे जज़ीरा अरब और तमाम कबीलों में सबसे ताकतवर साबित होता। इसलिए कुरैश के सरदारों ने अपने पाँव में बेड़ियाँ डाल ली ताकि वो मैदान जंग में साबित कदम रहें और कोई फरार ना हो सके। इस जंग में हुजूर के चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुतल्लिब बनू हाशिम की क़्यादत कर रहे थे और दूसरे कबीलों का सिपा सलार हर्ब बिन उमैया था। हुजूर के कई चचा और चचाजाद भाई इस जंग में शरीक थे, लिहाजा अपने चचाओं के कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस जंग में हिस्सा लिया, लेकिन आपने मैदान जंग में तलवार न उठाई और न किसी पर तीर चलाया। अलबत्ता आप तीर और नेज़ा उठा उठा कर अपने चचाओं को देते और लड़ाई में उनकी मदद किया करते थे। जंग फज्जार के दौरान एक गैर मामूली बात देखी गई,
कि जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में तशरीफ लाते तो कुरैश जंग जीतने लगते, और जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग से वापस तशरीफ ले जाते तो कुरैश कमज़ोर पड़ने लगते। लिहाजा कुरैश की फतह याबी और शिकस्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत पर मुनहसिर था, जिसका मुशाहिदा कई लोगों ने किया। जंग फज्जार से अरब के सैकड़ों घराने बर्बाद हो गए थे, हर तरफ बदामनी और आए दिन लूट मार हो रहे थे, मुल्क का अमनो अमान गारत हो चुका था, न दिन को चैन था और न रात को आराम था। लिहाजा बनु हाशिम, बनु असद, बनु गुतफान और देगर कबाइल कुरैश के बड़े बड़े सरदार अब्दुल्लाह बिन जदान के मकान पर जमा हुए और ज़ुबैर बिन अब्दुल मुतल्लिब ने यह तजवीज़ पेश की कि हालात को बेहतर बनाने के लिए अब इस जंग को बंद कर देनी चाहिए और कोई सुलह या मुआहदा करना चाहिए। लिहाजा तमाम अरब कबाइल और कुरैश के दरमियान एक मुआहदा हुआ, जिसमें जंग बंदी, मुल्क में अमनो अमान, मुसाफिरों की हिफाजत, गरीबों के अमदाद पर तमाम लोग मुत्तफिक हुए। इस मुआहदे को हिल्फुल फजूल कहा जाता है, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए। आपको ये मुआहदा इतना पसंद था कि ऐलान नबूवत के बाद भी आप फरमाया करते थे कि इस मुआहदे से मुझे इतनी खुशी हुई कि आज भी अगर कुरैश चाहे तो मैं उस पर कायम रहने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल अब कुछ सालों के लिए जंग बंदी हुई और अरबों के हालात कुछ बेहतर हुए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल के करीब हुई तो तिजारत की तरफ रुझान बढ़ा, लेकिन आपके पास इतनी रकम न थी कि तिजारत कर सकें। लिहाजा जब मक्का की एक खातून को ये खबर हुई तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि आप मेरा माल तिजारत के लिए शाम ले जाएँ और उसे वहाँ मुनासिब कीमत पर फरोख्त करें। इस खातून ने यह पेशकश की कि वो आपको दूसरों से बढ़कर उजरत देंगी। उस खातून का नाम खदीजा बिनते खवेल था, जो मक्का की नहायत ही शरीफ ख़ानदान की एक मालदार बेवा खातून थी। सैयदा खदीजा का ताल्लुक कबीला बनु असद से था। आपके वालिद खवेल्द बिन असद अरब के अमीर तरीन इंसानों में एक थे। जब जंग फज्जार शुरू हुई थी तो खवेल्द ने भी इस जंग में शिरकत की थी और वो इस जंग में मारे गए। लिहाजा बाप के मरने के बाद सैयदा खदीजा ने सारा कारोबार खुद संभालना शुरू कर दिया था। दरअसल सैयदा खदीजा ने पहले ही हुजूर की सदाकत, अमानतदारी और ईमानदारी के चर्चे सुन रखे थे और वो आपकी खूबियों से बहुत मुतासिर थीं, इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तिजारत की ये दरख्वास्त की थी। बहरहाल हुजूर ने सैयदा खदीजा के माल को लेकर तिजारत के लिए शाम रवाना हुए। इस सफ़र में हज़रत खदीजा ने आपके साथ अपने एक ग़ुलाम मीसरा को भी रवाना कर दिया। इब्न इसहाक के मुताबिक सफ़र शाम के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह थोड़ा तवक्कफ़ किया और एक दरख्त के साए में आराम फरमा हुए। करीब नस्तूर राहिब की एक खानकाह थी। राहिब ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मीसरा के पास आया और पूछा कि वो हस्ती कौन है जो उस दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। उसने कहा, ये अहले हर्म के हाशमी कुरैसी जवान मोहम्मद हैं, जो सालेह, अमानतदार और एक सच्चे इंसान हैं। राहिब ने कहा, क्या उनके आँखों में सुर्खी रहती है? मीसरा ने कहा, हाँ, ये सुर्खी हमेशा उनके आँखों में होती है। नस्तूर ने कहा, ये पैगंबर हैं और सबसे आखिरी पैगंबर हैं, जिसकी अलामतें हमारी किताबों में मौजूद हैं। उस दरख्त के नीचे सिवाय नबी अल्लाह के और कोई शख्स भी आज तक न बैठा है। मीसरा ने राहिब के इस बात को जहन नशी कर लिया और सफ़र आगे बढ़ा। जब ये कारवान बसरा पहुंचा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईला के नज़दीक एक खुश कुएं की तरफ बढ़े और उसके बाद उस कुएं में अपना हाथ डाला, उसमें से चुल्लू भर पानी उठाकर अपने हाथ धोए और उसके बाद करीब में मौजूद एक सूखे हुए दरख्त के नीचे बैठ गए। मीसरा ने देखा कि वो सूखा हुआ दरख्त अचानक सरसब्ज़ हो गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साए में इबादत में मशगूल हो गए।
बहरहाल शाम पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम माल को फरोख्त कर दिया और इस तिजारत में बहुत नफ़ा हुआ। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीसरा के साथ मक्का के लिए वापस रवाना हो गए। शाम से वापसी पर रास्ते में एक दिन दोपहर और सख्त गर्मी का वक्त था। मीसरा क्या देखता है कि हुजूर ऊंट पर सवार हैं और दो फरिश्ते आपको धूप से बचाने के लिए साया किए हुए हैं। अल्लाह ने मीसरा के दिल में नबी की ऐसी मोहब्बत डाल दी कि गोया वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया। दोस्तों, जो हमने पहले के पार्ट्स पर जो रिएक्शन करा था दोस्तों, हमने उसे ये जाना था कि जो इनका बर्थ है, जब बर्थ हुआ था तो जो क्यामत है, क्यामत सी आ गई थी। और दोस्तों, जो ये इनका जो बचपन का वाक्य बताया था कि वो भेड़ चराते थे, कितनी मेहनत करते थे और उनको फिर भी गुस्सा नहीं था, काफ़ी शांत स्वभाव के थे। हाँ दोस्तों, इसमें जो बताया गया है इसमें भी उनका थोड़ी एडल्ट एज का वर्णन किया गया है इसमें, जिसमें बताया गया है कि जो भी इनके नबी है, जिसने भी इनके जो गोड़ ने नबी भेजे हैं उनको बकरी चराने, जो जितने भी नबी सबने बकरियाँ चलाई, क्योंकि दोस्तों बकरी चराने से क्या होता है, जो इंसान है वो ईमानदार रहता है, शांत रहता है, तो इसके काफ़ी फायदे हैं। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में ये बताया गया कि इस टाइम पे मतलब दो आपसी गांव में मतलब लड़ाई जो हो गई थी, और जिसमें जो मोहम्मद वाले जो जिस गांव था मतलब खुरैशी, उसमें जब भी वो मतलब उस वहाँ पे वॉर में शामिल होते तो जो वॉर था वो उससे मतलब जो सामने अपोजिट वाला था वो पीछे हटने लगते, और जब वो जब वॉर में शामिल नहीं होते तो वो फिर हारने लगते। हाँ दोस्तों, और ये भी बताया गया जब उनकी इसमें उम्र भी 20 साल हो चुकी थी और जब उनको कुछ कहीं जाना भी पड़ा था तो एक महारानी ने उनकी काफ़ी हेल्प करी। उसमें बताया गया कि आप मेरा सामान है वहाँ ले जाके बेचो और जितना भी मुनाफा होगा, मतलब कि जो भी बेनिफिट होगा, क्योंकि उनको पता था कि जो ये हैं, जो नबी हैं, ये बहुत ही ईमानदार हैं, इनके बारे में उन्होंने बहुत सुना था। और ऐसा हुआ भी, जैसे ही वो गए वहाँ पर उन्होंने बेचा, उनको प्रॉफिट हुआ, वो उल्टा वापस आ रहे थे अब मक्का की ओर। हाँ, और दोस्तों और ये भी कह रहा था, जहाँ पे भी वो जाते हैं तो वहाँ पे बरकत हो जाती है। और दोस्तों, उन्होंने एक पेड़ के नीचे मतलब आराम करा था, तो वहाँ के कोई मतलब एक लोग था, जाना था मतलब, तो उन्होंने बताया था ये कि जो मतलब उनके गोड का जो लास्ट जो पैगंबर होते हैं वो है ये। फिर उनको जो उनके साथ जो चल रहा था मतलब एक उनका एक तरह से दोस्त, तो उनको वो एक तरह से नबी के रूप में देखने लगा। हाँ दोस्तों, उनका गुलाम बन गया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी भर आपका गुलाम रहूँगा। और दोस्तों, जब वो जा भी रहे थे रेगिस्तान पे, इतनी धूप का टाइम था, इतनी कड़क टाइम थी जिसमें कि मतलब कि लोग इतने गर्म मारे जल रहे थे, मगर वो उनको दो फरिश्ते से जो उनकी छाया देके उनकी हिफाजत कर रहे थे। हाँ, और दोस्तों वो मतलब किसी भी पेड़ के नीचे आराम करते तो वो जो सूखा हुआ पेड़ था वो भी काफ़ी हरा भरा हो जाता था, ताकि वो उनको छा दे सके। हाँ दोस्तों, ये सब दर्शाता है कि वो कितने बड़े प्रॉफिट थे, कितने बड़े मोहम्मद थे, क्योंकि दोस्तों ऐसी शक्तियाँ भगवान किसी को मतलब जो गॉड है किसी लाखों में से किसी एक जने को चुनता है। और दोस्तों, उनकी जो इतनी शक्तियाँ थी, लोग भी देख के अचरज में थे कि भाई ये कौन है और इतने बड़े महान काम कैसे कर रहे हैं। हाँ, और दोस्तों अब ये वीडियो आगे देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं कि आगे क्या वाक्य होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये तो बस यहीं तक थी, इसमें टू बी कंटिन्यू भी लिखा था, अब आगे देखते हैं जो फोर्थ पार्ट में क्या होने वाला है। हाँ दोस्तों, आगे वो बताएंगे कि जब वो सारे जो जो सामान दिया गया था उनको बेचने के बाद वो जो अपने घर वतन वापस लौट रहे थे, अब क्या होता है तो आगे इस अगली नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। सो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाएं। नमस्ते दोस्तों।